और एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने कहा है कि उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के जबरन नारे लगवाए गए, उसके हाथ से कलावा उतरवाया गया। छात्र का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी हुई है। छात्र ये भी कह रहा है कि मेरी बहन को हिजाब पहनने के लिए भी धमकी दी गई है। कहा गया है मेरी बहन को हिजाब पहनने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा मामला है, एक छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जबरन उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं बीटेक एमटेक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। एक्चुअल मैं एक रहवर नाम का लड़का है, रहवर दानिश नाम है उसका पूरा, आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। अदर उसके बाद कुछ दिन पहले ही डेट तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तहरीर जिसका वादी रहवर दानिश है जो कि सुलेमान हॉल का निवासी है, उसने साहिल पे आरोप लगाया कि 3 तारीख को वह उसके रूम में से पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया, जिसके संबंध में दोनों तहरीरों पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया गया है तथा इस पर जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।